खबर अंबिकापुर से। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है। लिफ्ट में करीब एक घंटे तक अटेंडर फंसे रहे और अस्पताल अधीक्षक के साथ तहसीलदार ने लिफ्ट को अब सील कर दिया है। तो आईसीयू से वार्ड तक जाने वाली लिफ्ट ये खराब हुई थी और कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट से अटेंडर्स को बाहर निकाला गया है। तो अटेंडर और लिफ्ट में ये फंसा हुआ व्यक्ति और रमेश आर्य जो कि अस्पताल के अधीक्षक बताए जा रहे हैं। हम लोग लिफ्ट से ही पकड़ के चले गए थर्ड फ्लोर में। फिर थर्ड फ्लोर से देखे हो के फिर वापस आने लगे। हम लोग तीन चार लोग थे साथ में। फिर वहाँ से लिफ्ट में अपन नीचे आने लगे तो अचानक थर्ड फ्लोर के जस्ट मुश्किल से एक मीटर नीचे जाके लिफ्ट बंद हो गया। अब बंद हुआ तो समथिंग 15 मिनट तक हम लोग वहीं रुके रहे कि टेक्निकल इशू के कारण शायद बंद हुआ, ट्रिप रुक हुआ होगा, लाइट उठ कट गया, पूरा सब चीज़ बंद हो गया। पौने दो घंटा के बाद टेक्नीशियन लेके आए, इसके बाद फिर लिफ्ट का दरवाज़ा खोले, फिर हम लोग को ऊपर से खींच के निकाला गया है। हमारा एक लिफ्ट है जो अंदर आईसीयू से सीधे महिला वार्ड की तरफ जाता है और वो सिर्फ मरीजों के लिए यूज होता है, उसमें आम पब्लिक का एक्सेस है ही नहीं। लेकिन वो महिला वार्ड से कैसे पांच पुरुष थे मेरे ख्याल से वो उसमें बैठ गए और वो लिफ्ट में बीच में कहीं फंस गए। वो पेशेंट को छोड़ने जब ऊपर गए हैं तो ऊपर महिला वार्ड में ऊपर वहाँ आम पब्लिक का एक्सेस हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है पुरुषों को तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। तो ओटी से रिलेटेड लिफ्ट है तो वो उसमें अकेले पेशेंट कभी जाते ही नहीं है, उसमें जब भी जाएगा हमारा स्टाफ साथ में रहता है।